अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ पिलो कवर की डिज़ाइन, जो कि बहुत ही खूबसूरत है और इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगी। तो बहुत सिंपल सी डिज़ाइन मैंने आपको बताई है ताकि आप ईज़िली बना सकें अपने पिलो कवर पर। तो अगर आप एक पिलो कवर के कॉर्नर पर एक डिज़ाइन बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगी, और बहुत ज़्यादा बड़ी डिज़ाइन नहीं है, ना तो बहुत ज़्यादा छोटी है, बीच की डिज़ाइन है, आप अपने पिलो कवर पर बना सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे बिल्कुल अंगूर के गुच्छे के जैसा आपको दिख रहा है, तो मैंने अंगूर नहीं बनाया हुआ है, ग्रेप्स नहीं है ये मतलब ऐसा डिज़ाइन मैंने किया है, तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। और पेंटिंग अभी करने के बाद ये आप इसको देख सकते हैं कि कैसा ये लग रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लीफ में दो कलर यूज़ किए हैं, दो कलर की लीफ यूज़ की है, बाकी कलर मैं आपको लगाती जा रही हूँ और बताती जा रही हूँ कौन कौन सा कलर मैं लगाऊँगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले मैंने सैड ग्रीन का यूज़ किया है और दोनों साइड से नीचे ऊपर से हमने ब्लू कलर लगाया हुआ है, और उसके बाद हम इसमें जो डार्क शेड हमारा बीच में रहेगी वो लाइनिंग ब्लू कलर से ही रहेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं किनारे किनारे साइड हमने वाइट कलर का भी शेड दिया, पहले तो एक एक किनारे पर हमने ब्लू कलर का शेड दिया है, फिर किनारे पे हमने वाइट कलर का शेड दिया है, और ये बीच से इस तरह से हमें ब्लू कलर की लाइनिंग बनानी है। यहाँ पे देख सकते हैं आप इस तरह से, और मैंने यहीं पे ये लीफ साइड ग्रीन से बनाई है और दूसरी लीफ मैं लाइट ग्रीन से बनाऊंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें मैं लाइट ग्रीन का यूज़ करूँगी पहले, उसके बाद इसमें मैं शेड दूँगी। तो मैंने लीफ को, जो हमारी लीफ है उसको दो शेड में बनाया है, सैप ग्रीन एंड डीप ग्रीन, अरे लाइट ग्रीन सॉरी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे लाइट ग्रीन लगाया और एक साइड से ब्लू कलर लगा के लीफ में अच्छे से फील किया, और ये दूसरे साइड आप देख सकते हैं हमने वाइट कलर लगाया और इस तरह से वाइट कलर को भी अच्छे से लाइट ग्रीन में फील कर देंगे। तो बहुत ही सिंपल है, लाइट ग्रीन वाली लीफ आप देख सकते हैं बहुत ही इजी है और सिंपल सी है। अगर आप टोटल लीफ इस कलर के बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप दो शेड डालो, मैंने ऐसे ही डाल दिया है। और बहुत लोग को पसंद रहती है कि मतलब कौन सा किसको अच्छा लगता है, कौन सा किसको अच्छा लगता है, तो जिसको जो अच्छा लगता है वो बना सकता है। अगर आपको दोनों ही कलर पसंद है तो आप दोनों ही बना सकते हैं। देखो इस टाइम भी मैं सैप ग्रीन का यूज़ कर रही हूँ, सैप ग्रीन ब्लू वाइट तीन कलर से लीफ बन रही है हमारी, और लाइट ग्रीन ब्लू वाइट, तो दोनों शेड ही हमारे तीन तीन कलर से, जो दोनों ही लीफ हमारी तीन कलर के शेड से बनेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर साइड से हमने ब्लू कलर लगाया, एक दूसरे के आमने सामने हम ब्लू कलर लगाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर जो हमारी खाली जगह रहेगी उसमें हम वाइट कलर लगाएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं इधर से, और ऊपर साइड भी हम वाइट कलर लगा के उसको अच्छे से फील करेंगे। इस तरह से ज़्यादा कलर नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा कलर लेना है और हमें इसमें शेड देना है। अगर ज़्यादा कलर लेंगे तो आपके कलर ज़्यादा हो जाएंगे, शेड हमारा अच्छा नहीं बनेगा जैसा हम बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी लीफ जो है पूरी हो चुकी है, मतलब कि हमने आपको दोनों ही शेड बनाकर दिखा दिया। तो आप यहाँ पे अगर फिर से देखना चाहते हैं तो मैं लीफ बना रही हूँ यहाँ पे देख सकते हैं, नहीं तो फिर आप वीडियो को स्किप करके आगे की वीडियो देख सकते हैं। और मैं कलर का नाम बताते जाऊँगी कौन सा कलर का नाम है, मैंने पहले भी बता दिया है, सैप ग्रीन लाइट ग्रीन वाइट एंड ब्लू, ये सब कलर का जो है नाम था मैंने आपको बता दिया, और जो जो कलर मैंने लगाया वो बता दिया आपको। अभी मैं फ्लावर के टाइम जो मैं फ्लावर वाला कलर लगाऊंगी उसका भी नाम बताऊंगी आपको ताकि आपको समझ आए। तो उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और आप देख सकते हैं हमारी हर डिज़ाइन। Thank you.
हाँ तो फ्रेंड्स, हमने काफ़ी लिप बनाकर आपको दिखा दी, इंशाल्लाह आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से लिप बनानी है। तो चलिए हम अब जो हमारे फ्लावर कलर होता है वो लगाते हैं और आपको बताते हैं कौन कौन सा कलर हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमने तीन कलर लिया हुआ है, क्रिम्सन रेड है, ऑरेंज कलर है, वाइट कलर है, तीन कलर यहाँ पे हमने लिया है। तीन कलर से हम इसमें पहले आपको एक शेड बताते हैं। फ्लावर में भी हमने दो तरह के कलर लगाए हुए हैं और दोनों के शेड मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से लगाने हैं। इसमें हमने फर्स्ट जो ये हमने पंखुड़ी बनाई, इसमें हमें तीन कलर का शेड देना है। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं कलर रखा हुआ है आपके, रेड, ऑरेंज, वाइट। तो पहले ऑरेंज कलर फिल करना है, उसके बाद ऊपर से वाइट कलर फिल करना है, जैसे कि हमने आपको दिखाया। वीडियो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बराबर समझ में आएगा। ठीक, ऑरेंज कलर लगाने के बाद यहाँ पे हमने वाइट कलर लगाया। वाइट कलर को अच्छे से ऑरेंज कलर में मिक्स करेंगे, हमारा शेड अच्छा बनना चाहिए। फिर उसके बाद कॉर्नर पे बिल्कुल थोड़ा सा कलर लेंगे, यहाँ पे नीचे से ऊपर की तरफ शेड को फैलाएंगे, जो हमारा रेड कलर रहेगा उसको यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस तरह से हमारा शेड हम देंगे और इस तरह से एक एक करके सारा हम बनाते जाएंगे। और हमने इसमें दो कलर लगाए हैं, तो दो कलर से लगाने से और भी खूबसूरती इसकी बढ़ गई है। तो अभी मैं आपको वो भी कलर लगा के बना के दिखाती हूँ, पहले मैं ये आपको दिखा लूँ। तो इस तरह से हमें वाइट कलर लगाना है और इस तरह से नीचे तक लगेगा हमारा वाइट कलर। तो हमारा वाइट कलर लगाने में फिनिशिंग आनी चाहिए, क्योंकि तभी तो हमारा पता चलेगा ऊपर नीचे कौन सा पार्ट ऊपर है कौन सा नीचे, इस तरह से पता चलेगा। और अगर हम इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी करेंगे तो हमारे जो पंखुड़ी है, जो हमारी फिनिशिंग रहेगी, वो नहीं दिखेगी। तो इसके लिए हमें थोड़ा ध्यान देना है। देखिए इस तरह से कलर हमने लगाया, उसके बाद यहाँ से वाइट कलर लगाएंगे। और वाइट कलर को आप जितने अच्छे से मिक्स करेंगे, जितने अच्छे अपने ब्रश को आप घुमाएंगे, जितने अच्छा कलर को फील करेंगे, उतना ही अच्छा आपका शेड बनेगा। देखिए एक कॉर्नर पे हमें लेना है रेड कलर और इस तरह से हमें हमारे शेड बनाने हैं। अगर कलर ज़्यादा हो जाते हैं तो हमारा शेड थोड़ा डार्क हो जाता है, तो आप कलर को थोड़ा ध्यान से उठाएँ, कितना कलर हमें डीप करना चाहिए कि हमारा शेड बन जाए। ये सब बातें आप ध्यान से ध्यान देंगे इन सब बातों पे, तो आपकी पेंटिंग माशाल्लाह अच्छी बनेगी। तो अभी तक हम ऑरेंज कलर से ही बना रहे हैं, तो अभी यहीं से स्टार्ट करेंगे दूसरा कलर लगाना। माशाल्लाह बहुत अच्छी पेंटिंग है, जैसा कि आप देख रहे हैं पिलो कलर के लिए ये तो बेस्ट डिज़ाइन है। पिलो कलर पे आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं, बहुत ही अच्छी डिज़ाइन है। अगर आप इस डिज़ाइन के साथ अगर किसी फ्लावर का कॉम्बिनेशन देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। फ्लावर करेंगे इसके साथ, जिससे आप इसके हमने दो दो लीफ करके बनाया है, आप इसकी जगह कोई फ्लावर बनाएंगे तो और भी अच्छा लगेगा। थोड़ी थोड़ी दूर पर आप लीफ बनाएंगे, फ्लावर बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। इस तरह से शेड बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे हमारा ऑरेंज कलर लगेगा, वाइट कलर लगेगा, उसके बाद रेड कलर लगेगा, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। देखिए अगर मैंने वाइट कलर लगे ही रेड कलर को लगाया तो वाइट कलर हमारा लग गया। तो आप जब भी वाइट कलर लगाएं उसको वॉश कर लें, नहीं तो आपका कलर थोड़ा लाइट हो जाएगा। उसको वॉश करके जब रेड कलर का शेड देंगे तो आपका शेड और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो आप ब्रश को बार बार वॉश करें। और यहाँ देखिए यहाँ पे हमने वॉलेट कलर लिया हुआ है, वॉलेट कलर में लगा रही हूँ। और ये देखिए इसमें कोई और शेड नहीं दूंगी, सिर्फ दो कलर से ये शेड बनेंगे। यहाँ पे सिर्फ दो कलर लगाना है हमें। और ये मैं सिर्फ कहीं कहीं बनाऊंगी, पूरा हमारा ऑरेंज कलर से ही बनेगा। ये जो मैंने वॉलेट कलर का फ्लावर डाला है वो हम कहीं कहीं भी डालेंगे, जिससे थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। देखिए इस
तरह से भी आप बना सकते हैं, ऑरेंज कलर के बाद रेड कलर का शेड देके ऊपर से वाइट कलर का भी शेड डाल सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ कलर में हमारा ये शेड डालते हैं तो हमारा ख़राब हो जाता है, लेकिन कुछ कलर ऐसा होता है जिसके साथ हम शेड देंगे तो हमारा शेड नहीं ख़राब होता है। जब आप बराबर पेंटिंग करेंगे तो आपको बराबर समझ में आएगा कौन से शेड में हमें कौन सा ब्रश धुलना पड़ेगा, कौन सा कहाँ ब्रश धुलना है कहाँ नहीं धुलना है, ये सब बातें आपको खुद ब खुद अपने आप समझ में आने लगेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने ऑरेंज कलर में कौन कौन सा शेड लगाया वो भी मैंने आपको बताया, और कौन कौन सा शेड हमने वॉलेट कलर में लगाया वो भी आपको बताया। अब एक बार मैं फिर बता दे रही हूँ, जो ऑरेंज कलर का शेड है आपको देख ही रहा है, रेड कलर है, ऑरेंज कलर है, वाइट कलर है, और जो हमने वॉलेट कलर लगाया उसमें सिर्फ वॉलेट कलर और वाइट कलर लगाए हैं, दो कलर्स का शेड दिया है। इसी तरह से हम अपना स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करते जाएंगे। और ये जो आप देख रहे हैं, पहले हम एक साइड का जो बना रहे हैं सिरा, एक सिरे से हम नीचे तक बना लेंगे तो दूसरे साइड के फिर से ऊपर से हम बनाते हुए नीचे के साइड आएंगे। इस तरह से हमारी इसकी पेंटिंग होगी। तो इस तरह से हमारी पेंटिंग होगी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। थोड़ा मैं वीडियो बनाने में लेट हो जाती हूँ, अपलोड नहीं कर पाती हूँ, उसके लिए सॉरी फ्रेंड्स। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो मेरी वीडियो का इंतज़ार करते रहते हैं, मैं वीडियो अपलोड करूँगी लेकिन क्या करूँ, मुझे भी टाइम नहीं मिल पाता है, तो इसके लिए मुझे वीडियो अपलोड करने में थोड़ा लेट हो जाता है और मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाती हूँ। तो वीडियो बना लेती हूँ तो भी मैं उसको मतलब अपलोड नहीं कर पाती हूँ, उसको मतलब उसमें बताना रहता है क्या क्या कैसे, तो ये नहीं कर पाती हूँ। क्यों, वो भी रीज़न है कि मैं क्यों नहीं कर पाती हूँ। मेरे जस्ट घर के सामने रोड है और उस पर हमेशा गाड़ी आती जाती रहती है, शोर होता है, और इसके लिए मैं वीडियो जल्दी नहीं बना पाती हूँ, अपलोड भी जल्दी नहीं कर पाती हूँ। और मेरी दो बेटियां भी हैं, वो भी परेशान करती हैं, इसके लिए थोड़ा मुझे टाइम हो जाता है, मैं वीडियो लेट अपलोड करती हूँ। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं थोड़ा थोड़ा करके वीडियो बनाती हूँ, उसके बाद उसको जो जिसको समझाना रहता है जहाँ पे वहाँ पे मैं सबको समझा देती हूँ किस तरह से बनाना है, कैसे बनाना है बता देती हूँ। और फ्रेंड्स, अगर मैं कुछ भूल जाती हूँ बताने में, कोई मिस्टेक हो जाती है, तो आप मुझसे कॉमेंट में पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप है, आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, तो रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगी। अगर आप मैसेज करते हैं, अगर मैं तुरंत रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ तो थोड़े टाइम बाद मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और मोबाइल जो है वो मेरी बच्चियाँ लिए रहती हैं, मैसेज वगैरह खोल देती हैं, जब मैं देख नहीं पाती हूँ तभी मैं उसका रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, जब मैं अगर मैसेज में देखती हूँ तुरंत रिप्लाई करती हूँ। तो सो अगर फ्रेंड्स आप लोग को मेरी वजह से कोई तकलीफ़ होती है, मतलब कि मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ, तो आप बुरा मत सोचिएगा, क्योंकि मैं ऐसी नहीं हूँ, बस मैं थोड़ा अगर देखती नहीं हूँ तभी मैं रिप्लाई नहीं कर पाती। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो बोल सोचते होंगे कि मैं कैसी हूँ, रिप्लाई नहीं करती हूँ, तो ऐसा नहीं है, बस मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो हमारे डिज़ाइन है वो हमने आधी पूरी कर ली है, तो अब हमें जब भी बनाएंगे फिर दूसरे सिरे से बनाएंगे। अब हमें ऊपर से बनाएंगे तो हमारी ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आएगी, ऊपर से दूसरी तरफ का जो सिरा रहेगा वहाँ से बनाएंगे, नीचे से फिर लेके आएंगे धीरे धीरे पेंटिंग करते हुए। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। और इस तरह से आप अपने, अगर आप पूरे बेडशीट पर अगर इसको फैला के बनाना चाहते हैं ना तो भी अच्छा बनेगा। अगर आप इसके गुच्छे जो हैं एक दूसरे से मिला मिला के बेडशीट के किनारे किनारे बनाएं, मतलब अगर कॉर्नर पे बनाते हैं तो भी बन जाएगा, अगर राउंड शेप देना चाहते हैं तो भी बन जाएगा।
मतलब आपको सिर्फ अपना दिमाग लगाना है कि डिज़ाइन हम कैसे कहाँ से करें कि हमारी डिज़ाइन खूबसूरत और अच्छी दिखे। देखिए यहाँ पे गाड़ी जा रही है, उसकी वजह से शोर हो रहा है और मेरे बताने में भी डिस्टर्ब हो रहा है। आप लोग को समझ में नहीं आएगा, जब शोर होती होता होगा तो आपको समझ में भी नहीं आता कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो इसी तरह से मैं वीडियोस नहीं बना पाती हूँ और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है मुझे वीडियो बनाने में, क्योंकि मेरा घर बिल्कुल रोड पे है और हमेशा गाड़ी आती जाती रहती है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे मैं आपको क्या बता रही थी, बेडशीट को डिज़ाइन करना, कि आप अपने जहन से भी बेडशीट को एक अच्छा सा डिज़ाइन कर सकते हैं। किस तरह से डिज़ाइन, किधर से कैसे करें, थोड़ा सा अपना अगर दिमाग लगाएंगे कि हम अपनी बेडशीट को कैसे डिज़ाइन करें तो वो आप भी कर लेंगे। तो छोटे छोटे डिज़ाइन से भी हम अपनी बेडशीट को इतना अच्छा सजा सकते हैं कि हमारी बेडशीट जो पेंटिंग हम करते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। आप सर्कल का शेप दे सकते हैं, फिर इसी सब चीज़ से बना के आप कोई भी चीज़ बना सकते हैं। अगर आप अल्फाबेट बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं, कैसा भी कुछ भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अगर आप एक फ्लावर दूसरे फ्लावर में करना चाहते हैं, जैसे आपको कोई डिज़ाइन पसंद है उसमें रोज़ फ्लावर है और कोई और डिज़ाइन है आपको उसकी डिज़ाइन पसंद नहीं है, फ्लावर दूसरे डिज़ाइन का पसंद है, तो आप कोई डिज़ाइन पसंद है अगर फ्लावर पसंद नहीं है तो वो फ्लावर आप उस फ्लावर की जगह दूसरा फ्लावर भी डाल सकते हैं, ऐसा है। और इस तरह से अगर आप अपने जहन को लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे, तो आप अच्छे से अच्छे डिज़ाइन खुद बना सकते हैं और पेंटिंग कर सकते हैं। बहुत मुश्किल नहीं होता, सब इजी है, कुछ भी बना लेंगे आप। तो फ्रेंड्स, चलिए देख सकते हैं आप, इतनी वीडियो हमारी हो चुकी है। तो कैसी लगी हमारी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर आऊँगी मैं एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तो अगर आपको मेरी डिज़ाइन पसंद आती है और आपको कोई भी डिज़ाइन मंगवाना हो तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, आपको सारी डिटेल्स दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैं फिर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।